फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अफजल व्लॉग। फ्रेंड्स, आज के मेरे इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाव का धक्का, जो मुंबई का सबसे बड़ा मछली का मार्केट है, फिश मार्केट। वहीं पे मैं आया हूँ, सुबह सुबह उठ के सीधे यहाँ पर बाइक लेकर पहुँच गया हूँ आपको ये वीडियो दिखाने के लिए। तो चलते हैं अंदर, जाके देखते हैं कि कितनी सस्ती मछलियाँ यहाँ पर, कौन सी वैरायटीज़ की हैं, कैसे आप यहाँ पर मछलियाँ खरीद सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मछलियाँ भाव के धक्के में अफजल व्लॉग के साथ। मेन मार्केट के बाहर ही आपको ऐसे मछलियों के वाटे मिल जाएंगे बेचते हुए, और वो भी काफ़ी अच्छे प्राइस में है, क्योंकि एक तो ये टोकरे दे देते हैं पूरा, एक एक वाटा या जो बड़ा बड़ा ढिगार लगा हुआ है वो उसके हिसाब से दे देते हैं, तो अच्छा है। यहाँ पर मोस्टली ये पूरा मार्केट जो है वो होलसेल का है, इस हिसाब से लोग इकट्ठा जितना ज़्यादा लेके जा सकें। यही वो सारी बोट्स हैं जिसके ऊपर से मछलियाँ यहाँ धक्के तक लाई जाती है। ये देखिए, सारी बोट लाइन से ये डॉक पे खड़ी हुई है धक्के पे, और ये पूरा मार्केट लगा हुआ है ना। ये देखिए कैसे ये लोग बोट से जो मछलियों के टोकरे हैं उनको ऊपर पहुंचा रहे हैं, मछलियों के टोकरों को। ये देखिए आप, यहाँ से सीधा फेंक रहे हैं, ऊपर पकड़ रहा है और ऊपर रखते जा रहे हैं। हाँ सही है, और ये पूरे टोकरे भरे, देखो कितना अच्छा लग रहा है, सारी टोकरों में अलग अलग तरह की मछलियाँ। ये झींगे देखिए कितने सारे हैं, कितना पूरा एक एक टोकरा खरीदना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की मछलियाँ जिनके तो नाम मैं जानता भी नहीं हूँ। ये देखिए झींगे का पहाड़, पूरा प्रॉन्स का ये पहाड़ की तरह है, और ये कातेरी मच्छी का डिगरा पूरा, इतने इकट्ठे इतने सारे, बाप रे बाप, देखो तो सही आप लोग। ये झींगे के टोकरे यहाँ पर होलसेल के लिए, फावड़ों से मच्छी उठाते हुए देखा है कभी आपने? यहाँ पर फावड़ों से इकट्ठा किया जाता है। यहाँ देखिए जो बांगड़े गिरे हुए हैं, ये पूरे बांगड़े के 300 रुपये के, एक कटोर जो टोकरा है बांगड़ों का वो 300 रुपये का, रानी 1000 रुपये का पूरा टोकरा, कातेरी 1000, ये जो झींगे हैं इनकी तो नीलामी चल रही है अभी। ये देखिए यहाँ पर भी बोट से झींगे यानी जो प्रॉन्स है उनको निकाला जा रहा है, और बहुत अच्छे साइज़ वाले प्रॉन्स हैं यहाँ, ये मतलब अच्छे बड़े वाले प्रॉन्स हैं। ये पूरा नज़ारा कितना खूबसूरत लगता है, सारी बोट्स, और बोट्स पे देखिए एक दूसरे के हाथ में जो बास्केट है प्रॉन्स के देते हुए ऊपर की तरफ, ऐसे ये लोग बाहर निकाल रहे हैं, और ये इकट्ठे प्रॉन्स ऐसा देखने में कहाँ मिलेगा आपको। ये जो नीचे गिरे हुए हैं बांगड़े छोटे, जो रावस मच्छी है और कुछ और भी तरह की मच्छी है, बहुत सस्ती सस्ती है, कोई तो 200 रुपये में पूरा एक साथ दे रहा है, कोई 300 रुपये में। ये क्रैब्स देख रहे हैं आप, ये केकड़े हैं, कितने साफ सुथरे और मस्त लग रहे हैं। तो जो ये केकड़े की टोकरी दिख रही है आपको, ये है 1000 रुपये की, सस्ता है बहुत। ये देखिए मच्छी पता नहीं कौन सी है, लेकिन पूरा पूरा पहाड़ पड़ा हुआ है यार यहाँ पर। तो ये कैसे दे रहे हैं ये? 1500 रुपया बोल रहे हैं, 1500 रुपये। ये छोटी मछलियाँ तो काफ़ी सस्ती है, बांगड़े वांगड़े जो है ना, ये तो 200-300 रुपये के हैं। कैसे कैसे दिला? 200 रुपये। कौन सी मछली है? सौंदरी। बांगड़ा कैसे? 250 यानी 250 रुपये का एक वाटा। ये कैसे दिए किराया? 800 का टोकरा है ये भी? वो गया वो अच्छा वो गया, वो है खाली 800 रुपये का। 800 रुपया यार काफ़ी सस्ता है यार, इतने कहाँ मिलता है क्रैब यानी केकड़े भाई 800 रुपये के ये टोकरी भर के। ये देखिए ये टोकरी भर के जितने हैं ना पूरे के पूरे केकड़े 800 रुपये में दे रहे हैं भाई साहब, मस्त है। 800 रुपये का केकड़े की पूरी टोकरी, बढ़िया है यार, 700 रुपये में तो दे ही देंगे। एक किलो की एक होगी,
22 से 4 तुम्ही काय देता बोलाय तर कमी हा हा तुम्ही सांगते ते ना आणि हा कोळंबी कोळंबी की 800 सर थांबा 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 पापलेट पण आहे आणि छोटे पाय छोटे पण आहे सुरमई आहे का हा सुरमई कसं दिलं ठीक आहे ना 1500 1500 1500 ठीक आहे 1200 1200 2200 रुपये में 4 हलवा मेरे हिसाब से 1300 रुपये में आपको दे देते और 1300 रुपये में बहुत बढ़िया बहुत अच्छी 1300 रुपये में अभी देख के फिर बताता हूँ कैसा दिला हलवा 2000 ला 6 आणि हा कितीला देणार कितीला देणार तुम्ही 1700 यानी 1700 रुपये एक किलो की एक नहीं है बहुत बड़ी वाली है 3000 के 3 है ना कैसा जी है 350 ला 350 रुपये तो बांगड़ा नहीं तो फिर क्या करेंगे मोमबिल है मोमबिल कैसा 200 रुपये में क्या ये है रानी मच्छी देखो पूरे बकेट भर के पूरा का पूरा डिगार ये पता नहीं कौन सी मच्छी है और वहाँ पर पूरे झींगे बोट में देखिए पूरे झींगों को इकट्ठा किया जा रहा है अलग किया जा रहा है सारी बोट से अलग अलग करके फिर इकट्ठा करके फिर बाद में ये लोग बाहर निकालेंगे अलग अलग नाव में यहाँ पर भी क्रैब है कैसा दिया ये 600 रुपये क्या टोकरा 600 रुपये का पूरा बास्केट पूरा टोकरा मेरे को तो ये बहुत बढ़िया लगा यार 600 रुपये में ये 1600 रुपये की 100 रुपये बता रहे हैं कुछ भी बोलते हैं यार ये लोग भी दो लेंगे तो 3000 ये वाला पापलेट कैसे ये पापलेट छोटे वाले 1200 रुपये का पूरा 1000 रुपये मैं बता रहा हूँ ना वो हाँ छोटे वाले सर ये वाले भी बड़ी वाली कितने की बड़ी वाली सुरमई तो है ना ये बड़ी वाली 1600 नहीं ये सुरमई तो है ना हाँ सुरमई है तुम किधर भी एक हाथ में लेकर जाओ और पूछो किधर पापलेट सुरमई हलवा ये सारे भाव तो बहुत ज़्यादा है अगर वो लोग 1000 रुपये बोलते हैं तो हमको भाई 600 रुपये तक लेके आना है तो यहाँ पर मिल जाता है वैसे उतना ज़्यादा रेट नहीं है बाकी जो टोकरों में है वो तो भाई बहुत सस्ता लग रहा मेरे को झींगे हो बांगड़ा हो या रानी मच्छी ये सारी चीज़ें ना काफ़ी सस्ती है ये शायद तारली है तारली बोलते हैं शायद इसको ये जो झींगा की जो बड़ी बड़ी बास्केट है बड़ी बड़ी बकेट है इन सब की बोली लगती है बोली में जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसको ये सामान मिलता है कैसे सब झींगों को देखिए इतने सारे लोग बैठ के अलग कर रहे हैं कितने झींगे कितने सारे सारे झींगे हैं बोलने के लिए तो ये एक बड़ी शुरू में 1200 रुपये की है पर 800 रुपये तक दे देंगे ले लिया वो बोल तो रहे हैं इसका 1500 पहली वाली का अच्छा
ये देखिए यहाँ पर बोली लग रही है इन झींगों की, ये जो झींगों के कैरेट्स है ना। रावस कैसे? 300 का टोकरा झींगा कितने का दे दोगे? मैंने प्रॉन्स लिया जो छिला हुआ था मीडियम साइज का, जो मेरे को ठीक भाव में मिला, करीब मेरे ख्याल से तो 350-400 ऐसा बोल रहे थे, लेकिन 200 रुपए में मिल गया, पौना किलो के आसपास। दोस्तों इतनी सारी वैरायटीज की मछलियां है ना, जो देखने में बहुत मजा आता है यार। पापलेट, सुरमई, हलवा, कातेरी, बाम, पता नहीं कौन सी और अलग अलग वैरायटीज की मछलियां हैं, लेकिन बहुत मज़ा आया मछलियों को देखने में। थोड़ी सी मैंने खरीद भी ली। इन सारे कैरेट्स में देखिए बड़े छोटे सारे झींगे हैं, प्रॉन्स हैं, और आगे वाले में तो टाइगर झींगा जो होता है ना वो भी है। दोस्तों भाव का धक्का आने के लिए आपको, आप मुंबई में जहाँ कहीं भी रहते होंगे ना, वहाँ से डॉकयार्ड रोड स्टेशन आना पड़ेगा जो हार्बर लाइन में है। डॉकयार्ड रोड स्टेशन आने के बाद में वहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, वॉक करके भी आ सकते हैं। मुश्किल से 12 से 15 मिनट लगेगा आपको वॉक करके आने में। ये सब प्रॉन्स को देखिए, अलग अलग साइज के, ये बड़े वाले देखिए बीच में कितने बड़े हैं, और वहाँ देखो कितने सारे प्रॉन्स हैं, बड़े छोटे अलग किए जा रहे हैं। आपको यहाँ पर भाव के धक्के पे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आनी पड़ेगा, तभी जाके आपको बहुत सारी वैरायटीज़ की मछलियाँ मिल सकती हैं, थोड़ी सस्ती भी मिलेगी। लेकिन जो पापलेट, सुरमई वगैरह जो है ना, इनको बोट से उतरते हुए देखना मैं चाहता था, लेकिन वो बहुत अर्ली यानी 3 बजे के आसपास उतरती हैं, तो वो तो देखने नहीं मिली। लेकिन बाकी झींगा हो या बाकी छोटी छोटी जो भी मछलियाँ, बांगड़ा वांगड़ा, ये सारे बोट से उतरते हुए भी देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा यार। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग, एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।